नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैवरिक ऑटोमेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम चेक करेंगे काउंटर डाउन के बारे में, जो कि 32 बिट काउंटर्स हैं, जिसको हम काउंटर अप की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और काउंटर डाउन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कहें एक तरीके से वो रिंग काउंटर है, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज में काउंट कर सकते। उसके लिए जो हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि जो काउंटर अप एंड डाउन है वो सिर्फ 200 से 255 तक है, लेकिन अगर हम देखें तो 200 से सिर्फ 234 तक है, उसके बाद वो एक हाई स्पीड काउंटर्स के फॉर्मेट पे हमें मिलता है। तो अगर हम यहाँ इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे कि काउंटर्स में एड्रेसिंग करते हैं CNT स्पेस C210 स्पेस K6, DCNT। अगर आप कंपाइल करते हैं तो और अगर इसको ऑपरेट करते हैं तो ये सिर्फ काउंटिंग अप ही कर रहा है। डाउन काउंटर बनाने के लिए से हम एक अलग से इनपुट प्रोवाइड करते हैं X1, और जब जब हम काउंटर अप एंड डाउन या 32 बिट काउंटर्स का इस्तेमाल करते हैं तो PLC के मॉडल के अकॉर्डिंग हमें एक बिट मिलती है। वो बिट हम चेक कर सकते हैं डिवाइस लिस्ट पे जाके, मेमोरीज, यहाँ पे हम उस डिवाइस को चेक कर सकते हैं कि कौन सी बिट हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे काउंटर्स को अप एंड डाउन करने के लिए। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहां से हमें इस PLC में काउंटर अप एंड डाउन मिलता है M1 200 से। जो हमने अभी काउंटर का इस्तेमाल किया है वो जो काउंटर है हमारे पास वो है 210। तो 210 के अकॉर्डिंग अगर हम चेक करते हैं तो हमें M1 210 बिट मिलती है। तो इस बिट का इस्तेमाल हम काउंटर अप एंड डाउन बनाने के लिए करेंगे। तो हम यहाँ पे उस बिट को इस्तेमाल करते हैं M1 210। और इस बिट को हम यहां इस्तेमाल करते हैं M1210। कंपाइल करते हैं, रन करते हैं एंड मॉनिटर। अब जैसे जैसे हम इस काउंटर को ऑन करते हैं तो ये काउंटिंग अप कर रहा है, लेकिन जैसे हम X1 को ऑपरेट करेंगे तो ये काउंटिंग डाउन पे चला जाएगा। पहले इसको हम तो अप कर लेते हैं प्रॉपरली। अब जैसे डाउन करेंगे तो K4 से ये K3 पे आ जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन काउंटर अप एंड डाउन हमें यहाँ पे बिट्स मिल जाती है, उस बिट्स के अकॉर्डिंग हम डाउन काउंटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस PLC में मैं 200 से 254 तक काउंटर अप एंड डाउन मिल जाता है। उसी के बिहाफ पे हम यहाँ पे काउंटर अप एंड डाउन बना सकते हैं। तो ये जब तक बिट्स हमें नहीं पता होंगी तब तक हम डेल्टा PLC में काउंटर डाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि किस तरीके से हम काउंटर डाउन का इस्तेमाल